लीजिए, एनडीए का आंकड़ा 300 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 224 पर है। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये सिर्फ 30 सेकंड का हमने ब्रेक लिया, बेगूसराय से बड़ी खबर आई, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़त बना ली है अवधेश राय पर। कुछ देर पहले तक गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह ने बढ़त बना ली है। एनडीए बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है बिहार में, और उसी का ये फायदा बेगूसराय सीट पर गिरिराज सिंह को भी मिल रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी, जरा हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा आप जानते हैं लोकसभा की 10 सीटें, हरियाणा आप जानते हैं 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार हरियाणा में हुआ है बड़ा उलटफेर, क्योंकि हरियाणा की इन सीटों में बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस 5 और एक सीट जो है वो अन्य, मतलब आम आदमी पार्टी वाले जो सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बड़ा झटका, जोर का झटका, जोर से। बिल्कुल, और ये देखिए कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, आप नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति को जो सिर्फ कॉरपोरेट में और इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती रही उसको लेके आते हैं और कैंडिडेट बनाते हैं, आप 4.5 साल तक किसी के साथ सरकार चलाते हैं और ठीक चुनाव के पहले वो सरकार खत्म कर देते हैं, आप अचानक से नए नए प्रयोग करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जिनको आप लगातार 9 साल तक बनाए रखते हैं उनको हटा देते हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं। जरा सा आपको रोकूंगी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।